दो फंक्शन बच गया है पढ़ने को, जो अभी हम लोग समाप्त करेंगे। एल्जेब्रिक फंक्शंस में एक फंक्शन को इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स बोलेंगे और एक फंक्शन का नाम है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। कोई भी रियल नंबर जैसे 2.3 को हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज सम ऑफ एन इंटीजर प्लस अ फ्रैक्शन। इंटीजर किसको बोलते हैं वो डिफाइंड है। ये सब नंबर्स है जिनको हम इंटीजर्स बोलते हैं, उस सेट को हम कैपिटल जेड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स। कर्ली ब्रैकेट में डॉट 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 -2, -1, 0, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, ये एक इनफाइनाइट सेट है। तो सारा इंटीजर्स को तो हम लिख नहीं पाएंगे, तो फ्यू इंटीजर्स को लिख दिए हैं और बाकी हम लोग समझ गए। तो द सेट ऑफ इंटीजर्स को कैपिटल जेड और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इस सेट में सिर्फ 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, एंड सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, जीरो नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव सेट में जीरो नहीं है, जीरो लेकिन हम लोग इंक्लूड किए हैं इंटीजर्स के सेट में। और फ्रैक्शन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, यानी ये है मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स, इन्हीं को बोलते हैं इंटीजर्स। और फ्रैक्शंस किसको बोलते हैं वो क्लियर कर दें। जीरो से लेके वन तक के बीच का सारा रियल नंबर को फ्रैक्शन बोलते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। यानी जीरो जो को हम लोग इंक्लूड किए हैं सेट ऑफ इंटीजर्स में भी और सेट ऑफ फ्रैक्शंस में भी। अब अगर आपसे हम कहें कोई भी रियल नंबर को एक्सप्रेस कीजिए एज सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ फ्रैक्शन, जैसे हम एक एग्जांपल यहां पे लिखे हैं 2.3 को इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। अब अलर्ट रहना है, जब आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो यहां जो भी नंबर लिखे हैं वो इसी सेट को बिलोंग करना चाहिए और ये नंबर इस सेट को। इसका मतलब ये हुआ कि किसी और तरीका से लिखना संभव नहीं है। अगर कोई विद्यार्थी इसको 2.3 को 1.8 प्लस 0.5 लिख दे तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्योंकि हम चाहते थे कि उसको आप एक्सप्रेस करें इंटीजर प्लस फ्रैक्शन। तो ये फ्रैक्शन तो है बट ये इंटीजर नहीं है। 2.3 को अगर कोई लिख दे 1 प्लस 1.3 तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन हो गया। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि आप इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिखें। तो जब भी हम किसी को कहेंगे कि किसी रियल नंबर को एक्सप्रेस कीजिए एज सम ऑफ एन इंटीजर एंड अ फ्रैक्शन, तो सब कोई एक यूनिक आंसर देगा, हर कोई बोलेगा यही वाला आंसर। अगर हम 3 एक रियल नंबर है कहें कि इसको एक्सप्रेस कीजिए इसी फॉर्म में इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो 3 प्लस 0, यहां जो नंबर लिखे हैं वो एक इंटीजर लिखे हैं और यहां जो नंबर लिखे हैं वो एक फ्रैक्शन लिखे हैं। इसी के लिए हम लोग 0 को इंक्लूड कर लिए थे फ्रैक्शंस के सेट में, ताकि कभी अगर हम पूछें कि 3 को एक्सप्रेस कीजिए, तो अगर हम 0 को इंक्लूड नहीं करते फ्रैक्शंस के सेट में तब हम 3 को नहीं एक्सप्रेस कर पाते एज सम ऑफ एन इंटीजर प्लस अ फ्रैक्शन। यहां क्या लिखते हैं और एग्जांपल लेके देखें, -5 को एक्सप्रेस कीजिए तो इंटीजर प्लस अ फ्रैक्शन, -2.3 को एक्सप्रेस कीजिए। अब इसको आप मन में सोचिए, यूनिक तरीका है, एक ही तरीका है इसको एक्सप्रेस करने का। इट इज नॉट माइनस टू
प्लस माइनस 0.3, ये रॉन्ग है। रियल नंबर लाइन पे यहां पे है माइनस 2.3, ओरिजिन से 2 यूनिट्स प्लस 3/10 को 2.3 बोलते हैं। तो इस 1 यूनिट डिस्टेंस को अगर हम 10 इक्वल हिस्सों में बांट दें तो पहला 3 हिस्सा ये है 2.3 यूनिट्स दूर फ्रॉम द ओरिजिन, और चूंकि नेगेटिव साइड में है तो यही नंबर है माइनस 2.3। अगर हम इसको कहें कि एक्सप्रेस कीजिए एज एन इंटीजर प्लस अ फ्रैक्शन, तो अगर आप ऐसे लिख दिए तो ये गलत हो गया, ये फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन हम जिनको डिफाइन किए हैं दीज आर ऑलवेज नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो इसको हम फ्रैक्शन के टेबल में नहीं लिखे। सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। यहां पे कोई नंबर लिखना है अब प्लस एक पॉजिटिव नंबर होना चाहिए या नॉन नेगेटिव, तो देखिए क्या लिखेंगे हम। अगर आप 3 यूनिट्स नेगेटिव डायरेक्शन में चले आए माइनस 3 तक एक इंटीजर तक और उसमें ऐड कर दें 0.7, तो आप उस नंबर तक पहुंच जाएंगे। यानी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है माइनस 2.3 का एक इंटीजर प्लस अ फ्रैक्शन, इसके अलावा और किसी भी तरीका से एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब भी आप किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करते हैं एक इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, दिस इज करेक्ट, ऑल दीज आर रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट एंड दिस इज करेक्ट। नोटिस करना है कि जब भी हम किसी भी संख्या को कहें कि एक्सप्रेस कीजिए एज एन इंटीजर प्लस अ फ्रैक्शन, चूंकि ये नंबर हमेशा एक नॉन नेगेटिव नंबर ही है, नेगेटिव नहीं है, जीरो या पॉजिटिव, तो अगर 2.3 नंबर को देखिए यहां है, इस नंबर को एक्सप्रेस करना है एज इंटीजर प्लस फ्रैक्शन, तो उससे जस्ट पहले जो भी इंटीजर दिखे, जस्ट पहले वही होगा ये वाला संख्या, और उसके बाद फर्दर कुछ ऐड करेंगे जो कि 1 यूनिट से कम एक संख्या होगा। जब माइनस 2.3 को एक्सप्रेस कर रहे थे तो उससे पहले जो उसके पहले बहुत सारा इंटीजर्स है माइनस 3 माइनस, पर जो सबसे निकट हो उसके, लेकिन उससे पहले यानी उससे छोटा, इससे छोटा, इससे छोटा, उसी नंबर में आप ऐड करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी रियल नंबर को हम अगर एक्स सिंबल से डिनोट करें तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं इस नंबर को, और इसको फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं एक्स का, और इस तरह से एक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज सम रियल नंबर, एनी रियल नंबर बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, और ऐसा सिंबल का मतलब होगा इस रियल नंबर का इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, पढ़ते हैं इस फंक्शन को मॉड ऑफ एक्स, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और इसको पढ़ते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ऐसे ही पढ़ते हैं। यानी कि ये जो फैक्ट्री है जिसके ऊपर ऐसा सिंबल लिखा होगा, ये डिफाइंड है फॉर ऑल रियल नंबर्स, और ये रिटर्न जो करेगा, आप इसमें से कोई नंबर एक्स डालिएगा, बटन दबाइएगा, तो आपको उस रियल नंबर का सिर्फ इंटीग्रल पार्ट रिटर्न करेगा। जैसे हम 2.3 डालेंगे इस फैक्ट्री में, तो वो जो नंबर रिटर्न करेगा उसको लिखते तो हैं इस तरह से इंटीग्रल पार्ट ऑफ 2.3, लेकिन ये कौन सा नंबर है वो अब हम लोग समझ चुके हैं कि 2 मीन कर रहे हैं। जैसे आप इस फैक्ट्री में हम 2.3 को डालते
तो ये जो नंबर रिटर्न करेगा उस नंबर को बोलते हैं मॉड ऑफ 2.3, लेकिन ये नंबर का वैल्यू कितना है वो, चूंकि हम मॉड फंक्शन समझते हैं कि वो क्या करता है रियल नंबर के साथ क्या करता है, इसीलिए हम उसका वैल्यू बता देते हैं कि 2 है। अगर आप एक स्क्वायर फैक्ट्री में इसी रियल नंबर को लेकर के प्रवेश करें तो ये क्या रिटर्न करेगा आप पूछिएगा, तो हम केवल बोलेंगे स्क्वायर ऑफ 2.3, लेकिन इसका वैल्यू भी पूछिएगा कि बताइए, तो हम बता देंगे इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर फंक्शन क्या करता है, वो उसी रियल नंबर को उसी रियल नंबर से गुना करके रिटर्न करता है। तो इसीलिए इसका वैल्यू बताना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैल्यू समझना इंपॉर्टेंट है कि हम जब लिखेंगे कहीं पे भी स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर तो हम क्या मीन कर रहे हैं, मॉड ऑफ अ रियल नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ अ रियल नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ रियल नंबर, और आज एक नया बात द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ रियल नंबर। जैसे हम इस फैक्ट्री में -2.3 डालेंगे तो ये क्या नंबर रिटर्न करेगा, तो खाली बोलेंगे इतना, लेकिन ये कितना के बराबर है अब अभी सीखे हैं हम सब पहली बार, इसीलिए बता पाएंगे। तो लेट अस रीडिफाइन द फैक्ट्री। इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। पहले बोले थे ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन एक्स, यानी एक्स से छोटा जितना इंटीजर है उनमें जो सबसे बड़ा है, यही डेफिनेशन दिए थे, लेकिन हम उसको रिडिफाइन कर रहे हैं करेक्टली नाउ। ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी उस नंबर से छोटा या उस नंबर के बराबर जितना भी इंटीजर्स है उनमें से जो सबसे बड़ा है वही रिटर्न करना है। अब सही होगा रिटर्न। हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ -2.3 पूछ रहे हैं, तो डेफिनेशन के अनुसार -2.3 से छोटा या -2.3 के बराबर, -2.3 तो इंटीजर है नहीं इसलिए उसके बराबर बोलना अनुचित होगा, तो उससे जितना छोटा है उनमें से सबसे बड़ा। और अगर आप इस फैक्ट्री में एक इंटीजर डालते हैं से -3, तो डेफिनेशन में साफ लिखा है कि उस नंबर से छोटा या उस नंबर के बराबर जितना इंटीजर्स है उनमें से जो सबसे बड़ा है। सो नाउ द डेफिनेशन इज वेरी क्लियर। अगर हम इस फैक्ट्री में 5 डालें, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5, यहां है 5, तो 5 या 5 से छोटा जितना भी इंटीजर है उनमें से जो सबसे बड़ा है विच इज 5, तो हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ 5 का वैल्यू 5 बोलेंगे। और उस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट, एक बार अगर इंटीग्रल पार्ट निकल गया तो फ्रैक्शनल पार्ट बताने में कहां कोई दिक्कत है, x माइनस द इंटीग्रल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू x माइनस इट्स इंटीग्रल पार्ट, दिस इज हाउ यू विल फाइंड। यही डेफिनेशन है फ्रैक्शनल पार्ट का। इंटीग्रल पार्ट का डेफिनेशन अभी बताए शब्दों में लिख रहे हैं, इट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू एक्स। और फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन क्या है, द नंबर एक्स माइनस इट्स इंटीग्रल। इस फंक्शन को हम एक नाम आपके सामने रखे हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, पर इसका पॉपुलर नाम यही है, इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से पॉपुलरली पुकारते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के नाम से पॉपुलरली पुकारते हैं। किसी भी सवाल में जैसे हम एक फंक्शन बनाए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस
2x प्लस 1। एक क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखे और स्क्वायर ब्रैकेट में उसको डाल दिए, तो स्क्वायर ब्रैकेट जहां कहीं भी आप देखें तो ये मत मान लीजिएगा कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट, ऑर्डिनरी ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट हम लोग इन सब का इस्तेमाल करते हैं जब सम एक्सप्रेशन के अंदर, सम एक्सप्रेशन के अंदर। तो जहां कहीं भी कर्ली ब्रैकेट देखेंगे ऐसा मत मान लीजिएगा कि वो फ्रैक्शनल फंक्शन लिखा है, जब तक कि सवाल में बोला नहीं जाए। जैसे हम एक फंक्शन लिखेंगे इस तरह से, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, डिफाइन करेंगे, आप बगल में लिखेंगे वेयर रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तब समझिएगा कि अच्छा इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये कॉम्पोजिट फंक्शन हम बनाए हैं, द इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स, यानी कि अगर हम अब पूछें एफ ऑफ माइनस टू का वैल्यू बताइए, एफ ऑफ माइनस हाफ का वैल्यू बताइए, तो आप पहले एक्स इक्वल टू माइनस हाफ को इस क्वाड्रेटिक फैक्ट्री में लेकर के एंटर करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहां से जो नंबर निकलेगा उसको लेकर के आप इंटीग्रल ग्रेटेस्ट इंटीजर फैक्ट्री में एंटर करेंगे, अब फाइनली जो निकलेगा वही है एफ ऑफ माइनस हाफ का वैल्यू। तो हम लोग देखें कि हम लोग इस सिंबल का मतलब समझे हैं कि नहीं। हम लोग तो मैथमेटिशियन का जो भाषा है वो केवल सिंबल्स का भाषा है। आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करने बोले तो करते हैं, 1/4 माइनस टू इंटू माइनस हाफ प्लस वन, प्लस वन का इंटीग्रल पार्ट, 2.25 का इंटीग्रल पार्ट, यानी आंसर। इस फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या है, कौन कौन रियल नंबर्स इस फैक्ट्री में लेकर के आप घुस सकते हैं, तो इस फैक्ट्री को तो हम लोग डिफाइन किए हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो इस गेट के पास तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कि तुम घुस सकते हो तुम नहीं घुस सकते, एवरी रियल नंबर इज अलाउड टू एंटर, और इस फैक्ट्री को अभी जस्ट डिफाइन किए हैं फॉर ऑल रियल नंबर्स। ये दोनों फंक्शन का डोमेन ऑफ डेफिनेशन है ऑल रियल नंबर्स, तो इस फंक्शन का फैक्ट्री का डोमेन ऑफ डेफिनेशन ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या है, यानी इस इंटीग्रल फैक्ट्री में, चलिए ये तो समझ गए कि हम कोई भी रियल नंबर लेकर के घुस सकते हैं, टर्न क्या करेगा, तो अभी तो हम लोग डिफाइन किए कि हमेशा ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा, कुछ भी डालिए आपको एक इंटीजर ही रिटर्न करेगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच में जितना इंटीजर्स है वो रिटर्न करेगा, तो यही इसका डोमेन हो गया आर और रेंज जेड। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या है, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर्स है, क्योंकि इस फंक्शन का डेफिनेशन है रियल नंबर माइनस इट्स इंटीग्रल पार्ट, तो इसलिए इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन हो गया ऑल रियल नंबर्स। और इसका रेंज क्या होगा, ये हमेशा क्या रिटर्न करेगा, वही फ्रैक्शन जो बताए हैं पहले से, फ्रैक्शन किसको कहते हैं, ये जीरो से लेके वन के बीच में ही नंबर्स रिटर्न करें। पहले ग्राफ बना लें फंक्शन का, इधर हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यूज को प्लॉट कर रहे हैं, हम इसको वाई सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी जो ग्राफ बनेगा उस ग्राफ का नाम होगा वाई कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। और ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस फंक्शन को हम रीडिफाइन कर रहे हैं इन अ येट स्मार्टर फॉर्म, जरा देखिएगा, इस फैक्ट्री में हम नंबर डालना शुरू करते हैं
0.1 डालें तो ये क्या रिटर्न करेगा? उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर यानी जीरो, 0.1 का इंटीग्रल पार्ट जीरो है एंड फ्रैक्शनल पार्ट 0.1 है। 0.2 डालें क्या रिटर्न करेगा? फिर जीरो, क्योंकि 0.2 से जस्ट पहले वाला इंटीजर जीरो है। 0.9 डालिए, जीरो रिटर्न करेगा। जैसे ही 1 डालिएगा अब 1 रिटर्न करना शुरू कर देगा। अब 1.1 डालिएगा तब 1, 1.2 डालेंगे तो 1 रिटर्न करेगा, 1.8 डालेंगे तो भी 1 रिटर्न करेगा, 1.9 डालेंगे तब भी 1, 1.99999 डाल तब भी 1। जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है इसमें 0 से लेकर के 1 तक कोई भी नंबर डालिए, ये एक कॉन्स्टेंट नंबर रिटर्न करता रहेगा लगातार शून्य। अगर 1 से लेकर के 2 तक के बीच में कोई भी नंबर डालिए, इन्फिनाइट रियल नंबर्स है, 1 या 1 से बड़ा परंतु 2 से छोटा, तो ये कंटिन्यूअसली एक कॉन्स्टेंट नंबर रिटर्न करता रहेगा 1। 1.1 का इंटीग्रल पार्ट 1, 1.2 का इंटीग्रल पार्ट, मन में सोच रहे हैं उसे जस्ट पहले वाला इंटीजर, 1.999 1 का इंटीग्रल पार्ट 1, और 2 डालते ही अचानक से अब 2 रिटर्न करने लगेगा, यानी एक डिसकंटिन्यूटी होगा इसके ग्राफ में। चित्र बनाते वक्त देखिएगा कि अचानक से हम वर्टिकल लाइन को घसकाते 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 हम यहां कुछ वर्टिकल लाइंस बना रहे हैं। ग्राफ पेपर पे तो बना होता है ना वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल्स, बिना वर्टिकल्स एंड हॉरिजॉन्टल्स के आप चित्र नहीं बना सकते कोई भी ग्राफ, क्योंकि ग्राफ एक्चुअली बनता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। ये पूरा ग्राफ पेपर भरा है पॉइंट्स से, और उनमें से हमको चुनना पड़ता है कौन कौन डॉट्स को ज्वाइन करना है, वो मेरे फंक्शन पे डिपेंड करता है। जिस फंक्शन का ग्राफ बनाएंगे उसी अनुसार हम डॉट्स को चुनेंगे। अभी हम इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू वन के बीच में हर वर्टिकल लाइन पे जो डॉट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, डॉट 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 1.5, 0 1.6, y कोऑर्डिनेट 0 1. कांस्टेंट हाइट का ग्राफ दिखेगा आपको, ग्राफ ना बढ़ेगा, फंक्शन का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करेगा, और 1 पे होल बनाए अचानक से x इक्वल टू 1 डालने पर ये 1 रिटर्न करेगा। फिर 1 से लेकर 2 के बीच में हम वर्टिकल लाइंस घसका रहे हैं, आप जल्दी जल्दी कैलकुलेट करके फंक्शन का वैल्यू बताते जाइएगा, ताकि हम प्लॉटर हैं, प्लॉटर मतलब हम मशीन हैं जिसके पास दिमाग नहीं है, आपके पास दिमाग है, आप बोलेंगे और मेरा हर वर्टिकल लाइन पे एक कलम है जो मूव कर सकता है ऊपर नीचे। जैसे ही आप वैल्यू बोलिएगा कलम एक जगह खटक से करके हिट करेगा बोर्ड को और एक डॉट प्लॉट करेगा। सो यू आर द ब्रेन बिहाइंड द प्लॉटर। हम एज द वैल्यूज ऑफ एक्स चेंजेस फ्रॉम 1 टू 2 द वैल्यूज रिमेन द सेम, डॉट्स आर एट सेम हाइट 1, एंड सडनली एक्स इक्वल टू 2 पे आते ही हमारा फंक्शन का वैल्यू सडन चेंज होता है फ्रॉम 1 टू 2 तो डॉट ऊपर। तो हम इस ग्राफ के, ये एक डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, हर इंटरवल में 0 से 1, 1 से 2 के बीच में ग्राफ्स कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, फिक्स्ड हाइट, फंक्शन का वैल्यू ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उसको कांस्टेंट बोलते हैं। माइनस 1 से 0 के बीच में कोई नंबर डालिए, -0.2 तो ये रिटर्न करेगा -1, उससे जस्ट पहले वाला इंटीजर्स। -0.999 से लेके हमेशा -1 रिटर्न करता रहेगा, एक
इस तरह का ग्राफ। इसी बात को हम यहां लिख रहे हैं कि 1 से 2 के बीच में हम किसी भी नंबर का पूछे इंटीग्रल पार्ट, तो आप बिना सोचे 1 बोल देंगे। अगर आपका नंबर 2 से 3 के बीच में हो तो जल्दी से 2 बोल देंगे, डॉट डॉट डॉट। आगे समझ गए हम इसका डेफिनेशन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में या मोर मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं। इतने बड़े बात को ही हम इतना मोड़ रहे हैं। When I say this, this is what I mean. कि अगर हम x का वैल्यूज -1 से 0 के बीच में रखें, लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वालिटी है, राइट हैंड इक्वालिटी है, राइट हैंड साइड इनइक्वालिटी है, यानी x इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट करना है, तो ये डेफिनेशन से जवाब मत दीजिएगा, यहां से दीजिएगा। x इक्वल टू 1 पे वैल्यू पूछें तो यहां से जवाब मत दीजिएगा, यहां से दीजिएगा। और x का वैल्यूज अगर -2 से -1 के बीच में रहे, -2 से -1 के बीच में कोई भी नंबर इतना दूर में, और उसका इंटीग्रल पार्ट पूछे तो जस्ट उससे पहले वाला इंटीजर, डॉट डॉट डॉट। अब ये ग्राफ बन गया है। ये ग्राफ का जो शक्ल है, 0 से 1 के बीच में कांस्टेंट हाइट, 1 से 2 के बीच में कांस्टेंट हाइट, व्हाट इज कांस्टेंट हाइट, कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। चूंकि इस ग्राफ का शक्ल सीढ़ी, यहां मत ज्वाइन कर दीजिएगा ऐसे, वो ग्राफ पे डॉट्स नहीं है वो सब, यहां पे भी डॉट है ना एक्स वाई प्लेन में, पर वो डॉट आपके ग्राफ का हिस्सा नहीं है। 2, ये हाइट है, 2, 2 पॉइंट है, ये इस फंक्शन के सेट में है, 2, 1 इस फंक्शन के सेट में नहीं है, यानी एक्स के जगह 2 डालिएगा तो ये फंक्शन जो रिटर्न करता है वो 2 है। इस लाइन पे देर आर इनफाइनाइट डॉट्स, पर हमको इस डॉट से मतलब है। दिस इज नॉट द डॉट विच वी आर इंटरेस्टेड इन, ये भी डॉट हमारे सेट में नहीं है। तो काला वहीं करेंगे ग्राफ पेपर पे जो जो हमारे फंक्शन के सेट में होगा, तो इसको डैश 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 करके ही छोड़े हैं। These are points not acceptable to us. तो चूंकि इसका जो शक्ल है वो सीढ़ी जैसा लगता है, तो popularly इसको step function के नाम से भी जानते हैं। जैसे x^1 एक first degree monomial है, इसको popularly identity function के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये function में जो डाले वही रिटर्न करता है, यानी इनपुट का पहचान, आइडेंटिटी माने पहचान को बरकरार रखता है। विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी इट रिटर्न्स द नंबर, इसीलिए पॉपुलरली ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। अब हम एक इक्वेशन कहें कि दिस इक्वल टू 2.7 2.3, इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू बताइए, तो आप फंक्शन का वैल्यू 2.3, तो 2.3 ऊंचाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है y बराबर 2.3, और जहां जाके ग्राफ को कट करेगा वो सब पॉइंट्स ढूंढना है। अब y बराबर 2.3 हाइट का लाइन कहीं ग्राफ को नहीं कट कर रहा है, यही हम कहते हैं कि इतना बराबर 2, तो आप y बराबर 2 ऊंचाई पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते, वो ग्राफ को जिन जिन पॉइंट से कट कट करता उन पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट, तो अनेक आंसर आ रहा है। x का वैल्यूज 2 से लेके 3 के बीच में जितना पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 2 है, आप वो सब का x कोऑर्डिनेट हमसे पूछे थे, तो देर आर इनफाइनाइट पॉइंट्स 2 से लेके 3 के बीच का सारा रियल नंबर इंक्लूडिंग 2 बट एक्सक्लूडिंग 3 का इंटीग्रल पार्ट 2 होता है। अगर हम पूछें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू -1 कब होगा, यानी y बराबर -1 एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है, ग्राफ को जहां जहां कट किया बहुत जगह कट कर दिया, ग्राफ अगर इस तरह से होता तो एक जगह कट करता, इस तरह से होता तो 2 जगह कट, अगर ऐसा होता तो 3 जगह कट करता, अभी ऐसा है तो कई जगह कट कर रहा है,
एवरी पॉइंट जहां से जिनका वाई कोऑर्डिनेट है माइनस वन, उन सभी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। तो जवाब होगा एक्स लाइज बिटवीन वन। अच्छा, ये हमेशा जो इक्वालिटी साइन है वो लेफ्ट साइड होता है, इस ग्राफ के जो डॉट्स है हमेशा लेफ्ट साइड है, इसीलिए आंसर लिखते वक्त अगर ये छोटा सा बात याद रखें कि लेफ्ट साइड डॉट इक्वल है कि राइट साइड, आप सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब एक और देखिए, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 7 कब होगा, एक्स का वैल्यू 7 से लेके 8 के बीच में अगर रखिएगा, इस फैक्ट्री में डालिएगा, वो हमेशा 7 ही रिटर्न करता रहेगा। तो ये नंबर को यहां लिखना है, उससे जस्ट अगला इंटीजर तक आपको लिख देना है, और इक्वालिटी लेफ्ट साइड, समझ के आप रटिएगा तो कंफर्टेबल रहिएगा। जैसे हम एक ऐसा इक्वेशन लिखेंगे कि मोड ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ समथिंग ये इक्वल टू -3 है, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स का वैल्यूज डालिए, ये एक कॉम्पोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, यानी आप इस फंक्शन में एक्स डालिएगा तो पहले 2x-3 का वैल्यू कैलकुलेट होगा और फिर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, और हम जानना चाहते हैं कि ये फंक्शन -3 रिटर्न कर रहा है तो कौन कौन नंबर डालने पर ये -3 रिटर्न करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए तब ना आप, अगर हम इसमें से कोई एक नंबर उठाएं, दो सवाल होता है, हम आपसे कह सकते हैं कि अगर x का वैल्यू 5 डालें तो क्या रिटर्न होगा, दैट इज क्वाइट इजी, या हम कहें कि x का वैल्यूज अगर हम 1 से लेकर 5 के बीच में रखें तो ये क्या रिटर्न करेगा, ये एक क्वेश्चन वो भी बनाएंगे हम लोग, और दूसरा पूछ सकते हैं, इधर आउटपुट देके इनपुट पूछ सकते हैं या आउटपुट का सेट दे सकते हैं कि इसका वैल्यूज -3 से -4, -3 से लेके -2 के बीच में रहे, ऐसा कौन, इतना ही पूछ सकते हैं, और ये सब जवाब ग्राफ में है और एनालिसिस में भी है। एक एक करके शुरू करें, इसको सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी नंबर बराबर -2 कब होगा, जब ये संख्या -2 से लेके -1 के बीच में होगा तब ये बात सत्य होगा। ये अभी जस्ट सीखे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। अब हम दोनों तरफ 3 ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी इस फैक्ट्री में अगर आप 0.5 से 1 के बीच का रियल नंबर डालिए कोई भी, यही आंसर आएगा, कंटिन्यूअसली -2 रिटर्न करता रहेगा। इस सवाल को हम एक बार और पूछते हैं इनपुट देके, हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं 2x-3 का इंटीग्रल पार्ट, डिफाइन फॉर x लाइन बिटवीन -3 to -1। क्वेश्चन, इसका रेंज निकालिए, यानी इस फैक्ट्री में हम रियल नंबर लाइन पर से -3 से लेके -1 के बीच का सारा नंबर अगर डालते हैं तो ये जो आउटपुट सेट रिटर्न करेगा वो सेट जानना चाहते हैं। एक्स इतना से इतना के बीच में दिया है, देन 2x कितना से कितना के बीच में होगा, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2x-3 का वैल्यूज कितना से कितना के बीच में होगा। अब हम इस नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, अब ये आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आप -9 से लेके -5 तक का सारा रियल नंबर लेके एंटर करेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा, अब केवल इतना ही बताना है। तो ये -5 रिटर्न करेगा, -6 रिटर्न करेगा, -7 रिटर्न करेगा, -8 और -9, यही सब इंटीजर्स रिटर्न करेगा। तो इसमें आप -5 डालिएगा तो -5, -5 से -6 के बीच का कोई नंबर डालिएगा तो -6, -6 से -7 के बीच का कोई नंबर डालिएगा तो ये -7 रिटर्न करेगा।
माइनस सेवन से माइनस एट के बीच में माइनस एट, माइनस एट से माइनस नाइन के बीच में माइनस नाइन रिटर्न करेगा, माइनस नाइन पे माइनस नाइन, बस समाप्त। सो दीज आर द इंटीजर्स जो आपको रिटर्न होगा। आप इस फैक्ट्री में अगर आप एंटर कीजिएगा माइनस तीन से लेके माइनस वन के बीच का सारा रियल नंबर्स, तो आउटपुट में आपको मिलेगा यही पांच इंटीजर में से कोई एक। इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट फंक्शन शुरू करें, ये फ्रैक्शनल फंक्शन एक महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड, जो जानना आवश्यक है। देखिए, अगर हम ए और बी दो नंबर को ऐड करके उसका हम इंटीग्रल पार्ट निकालें, और अगर हम दोनों नंबर का इंटीग्रल पार्ट निकाल के तब ऐड करें, तो इन दोनों का वैल्यूज सेम कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग मॉड में भी सीखे थे कि दो नंबर को ऐड करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, और दोनों नंबर का मैग्नीट्यूड निकाल के तब ऐड करें, तो ये दोनों नंबर का वैल्यूज सिर्फ तभी बराबर होता है जब ए और बी दोनों सेम साइन का होता है, बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। अगर ए और बी डिफरेंट साइंस का हो गया, कोई एक पॉजिटिव नंबर कोई एक नेगेटिव नंबर, तो दिस इज नॉट इक्वल टू दिस। वैसा ही एक आइडेंटिटी हम लोग यहां भी सीखेंगे कि अगर ए और बी दोनों इंटीजर्स हुआ तो इक्वल होगा। फॉर एग्जाम्पल, ए के स्थान पे अगर आप एक इंटीजर डाल दें सेवन और बी के स्थान पे कोई भी इंटीजर माइनस टू, अब दोनों को ऐड करके उस नंबर का इंटीग्रल पार्ट निकालें, तो चूंकि दोनों को ऐड करने पे एक इंटीजर आएगा, इंटीजर प्लस इंटीजर, तो उसका इंटीग्रल पार्ट नहीं वही होगा। अगर आप दोनों का पहले इंटीग्रल पार्ट निकाल लें और तब दोनों को ऐड करें, तो भी वही आंसर आता है। यानी कि दिस will be equal to this, ऐसा लिख सकते हैं, if both a comma b are integers। लेकिन अगर दोनों में से एक भी नंबर अगर इंटीजर नहीं हुआ तो ये बात सत्य नहीं होगा। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर इन दोनों में से कोई एक इंटीजर हुआ, मान लीजिए कि ये नंबर एक इंटीजर है, हम इन पांच पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इन दोनों में से कोई एक भी अगर इंटीजर हुआ, इसका वैल्यू इक्वल टू निश्चित रूप से इतना के बराबर होगा, ये सत्य है। आप चेक करके देखें कि दिस विल बी इक्वल टू दिस। अगर हम कोई भी एक रियल नंबर ले लें, एक की जगह पे माइनस 2.4, अगर हम उसमें पांच ऐड कर लें, माइनस 2.4 में पांच ऐड करें 2.6, और अब हम इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट निकालें विच इज टू, या हम पहले ए का इंटीग्रल पार्ट निकाल लें तब हम उसमें पांच ऐड करें, दोनों केस में सेम आंसर आए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइडेंटिटी है। ये तो हम सबको समझ गए, बड़ा ही सिंपल सा बात है कि अगर दोनों इंटीजर है तो ऐड करके तब इंटीग्रल पार्ट निकालिए, या इंटीग्रल पार्ट निकाल के तब ऐड कीजिए, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट बात है जो हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट फंक्शन में जा सकते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, जिसका डेफिनेशन है एक्स माइनस
इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। हम इसको भी डिफाइन कर रहे हैं, इसका डेफिनेशन बड़ी मेहनत करके हम लोग सीखा है। हर इंटीजर पे अचानक से फंक्शन का डेफिनेशन बदल जाता है। जैसे मॉड एक्स को जब हम डिफाइन कर रहे थे तो एक्स इक्वल टू जीरो पे इसका डेफिनेशन बदलना पड़ा था। अगर मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री को डिफाइन करेंगे तो एक्स इक्वल टू थ्री पे हमको फंक्शन का डेफिनेशन बदलना पड़ता है। थ्री के राइट हैंड साइड इट इज एक्स माइनस थ्री, और थ्री के लेफ्ट हैंड साइड दिस इज सेम एज माइनस ऑफ एक्स माइनस थ्री, यानी थ्री माइनस। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डेफिनेशन हम दिए हैं वो हर इंटीजर पे जैसे ही पहुंचते हैं हम उसका डेफिनेशन बदल देते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सेट ऑफ कॉन्स्टेंट फंक्शंस है, जीरो फिर वन, लेकिन हर इंटीजर पे आते ही अचानक से उस फंक्शन का डेफिनेशन बदल जाता है। फ्रैक्शनल फंक्शन का भी डेफिनेशन हर इंटीजर पे बदल जाएगा, यानी हम जीरो से वन के बीच में कोई भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट पूछें तो आप एक्स में से जीरो घटा लीजिएगा, क्योंकि ये वाला नंबर तो कांस्टेंट रहेगा जीरो। सो दिस मींस दिस, यानी हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.7 पूछें तो आप 0.7 बोल दीजिएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.9 पूछें तो 0.9 बोल दीजिएगा। इसका इंटीग्रल पार्ट है जीरो इस नंबर। अगर हम एक से लेके दो के बीच में कोई भी रियल नंबर इस फैक्ट्री में डालें, कोई भी रियल नंबर डालिए 1.3, तो ये 1.3 में से सब्ट्रैक्ट करेगा उसका इंटीग्रल पार्ट और जवाब देगा आपको। तो इस इंटरवल में कोई भी नंबर डालिए तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ दोज नंबर्स तो कांस्टेंट होगा 1। तो दिस फंक्शन मींस एक्स माइनस वन। तो अब अगर हमसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक नंबर पूछा जाए 1.7, अगर ये नंबर एक से दो के बीच में है तो हम उसमें माइनस वन ऐड करेंगे, यही लिखा है। सो दिस फंक्शन इज सेम एज दिस फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स लाइंग बिटवीन 1 एंड 2। अगर दो से बड़ा लेकिन तीन से छोटा के बीच में कोई भी नंबर इस फैक्ट्री में डालिएगा, डालते रहिए एक एक करके 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4, 7, तो चूंकि पहले उसका इंटीग्रल पार्ट निकलेगा जो कि हमेशा 2 निकलेगा, तो आपको उस नंबर में से 2 घटाना होगा। सो दिस फंक्शन इज सेम एज दिस फॉर वैल्यूज ऑफ एक्स। इसी तरह से माइनस वन से जीरो के बीच में कोई नंबर डालिए तो ये माइनस वन रिटर्न करता रहेगा, एक्स माइनस माइनस वन। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 0.3 बताइए, तो हमारे डेफिनेशन के अनुसार माइनस 0.3 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा इंटीग्रल पार्ट ऑफ माइनस 0.3 जो कि माइनस वन है। तो माइनस माइनस वन यानी आपको प्लस वन करना होगा, इस नंबर में वन ऐड करना होगा, यही तो लिखें और आंसर आएगा 0.7। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 0.3 जो कि यहां पे नंबर है माइनस 0.3, तो उसका इंटीग्रल पार्ट है इतना और उसमें ऐड करेंगे 0.7 तो हम इस नंबर पे पहुंच जाएंगे। इसी तरह से अगर माइनस दो से लेके माइनस वन के बीच में अगर कहें कि फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू बताइए तो एक्स माइनस माइनस टू रहेगा फॉर एनी नंबर, तो दिस फंक्शन का डेफिनेशन अब जाके कंप्लीट होगा। जीरो से वन के बीच में, वन से टू के बीच में, टू से थ्री के बीच में हम फंक्शन का हम घसकाते जाएंगे वर्टिकल लाइन, जैसे 0.7 पे हम रखेंगे वर्टिकल लाइन को। आप जल्दी से उसका फ्रैक्शनल पार्ट कैलकुलेट करके बताइएगा ताकि हम डॉट बनाएंगे। 0.7 का फ्रैक्शनल पार्ट चूंकि 0.7 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो आप इस डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, यानी 0.7 बता देंगे। तो 0.7
का फ्रैक्शनल पार्ट 0.7 हाइट पे एक डॉट बनाएंगे, 0.6 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.6, 0.5, 0.5 ग्राफ बना दिए। अब 1 से 2 के बीच में ग्राफ होगा वाई बराबर एक्स माइनस 1, तो इन्हीं दोनों हॉरिजॉन्टल लाइंस के बीच में बनाना है वाई बराबर एक्स माइनस 1। तो एक्स बराबर 1 डालिए और वाई कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, दो डॉट टू कनेक्ट दें। एक्स बराबर 2 लाइन पे डॉट का हाइट 1 होगा, ये 1 हाइट पे जाकर के समाप्त होगा। ये एक लाइन का टुकड़ा है वाई बराबर एक्स माइनस 1 लाइन, वाई बराबर एक्स लाइन, वाई बराबर एक्स माइनस 2 लाइन, पैरेलल लाइंस का टुकड़ा बनेगा इस फंक्शन का ग्राफ। और इसका जो y कोऑर्डिनेट्स है वो 0 से 1 के बीच में ही होगा, 1 कभी नहीं होगा। इसका रेंज डोमेन है R और रेंज है इंटीजर्स, और इस फंक्शन का डोमेन है R और रेंज है 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ लाई करेगा। ऑलवेज y बराबर 0 से लेके फंक्शन इंक्रीज करता है, यानी इस फैक्ट्री में आप डालना शुरू कीजिए नंबर 0, ये रिटर्न करेगा 0, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0, इनपुट बढ़ाते जाइए, आउटपुट बढ़ता जाएगा। और फिर अचानक से 1 पे आके फिर से नया ग्राफ बनाना होगा, देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन द ग्राफ। तो इस तरह का ग्राफ, अभी y बराबर x माइनस 2 का ग्राफ, तो जो y बराबर x का ग्राफ बना सकता है उससे कहें कि y बराबर x माइनस 2 का ग्राफ बनाइए, तो इसी ग्राफ को 2 यूनिट्स राइट शिफ्ट कर देगा। तो ये y बराबर x माइनस 2 का ग्राफ है, y बराबर x को शिफ्ट किया गया है, या x इक्वल टू 2 लाइन को जो ये कट करेगा, डालिए इसमें x के जगह 2 तो y कोऑर्डिनेट 0, और डालिए x बराबर 3 तो y कोऑर्डिनेट 1, यानी ये होल का हाइट 1 है, होल का हाइट 1 है, वहां डॉट नहीं डालेंगे। दोनों ग्राफ के लेफ्ट साइड डॉट्स है और राइट साइड होल्स है, सडनली अब यहां से सडनली, और इधर का ग्राफ सब x प्लस 1, तो ये है y बराबर x, x प्लस 1 माने 1 यूनिट्स लेफ्ट शिफ्ट करना होगा। x इक्वल टू माइनस 1 डालने पर y कोऑर्डिनेट 0, x इक्वल टू 0 पे y कोऑर्डिनेट 1। ऐसा ग्राफ होता है फ्रैक्शनल फंक्शन का, 0 से 1 के बीच में लाई करता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू, हम एक इक्वेशन पूछ रहे हैं, इनपुट देके आउटपुट पूछें, 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट बताइए, तो ये सब कोई तुरंत बता देगा। 2.3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.3 का इंटीग्रल पार्ट और आंसर 0.3 बोल देंगे। अगर इस फैक्ट्री में हम -3.6 का फ्रैक्शनल पार्ट पूछें, तो -3.6 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे उसका इंटीग्रल पार्ट विच इज -4, -3.6 प्लस 4 0.4। ये आंसर हमेशा अलर्ट रहिएगा, अगर आप कोई भी गलती कर रहे होंगे तो आपको ये दिख जाना चाहिए, ये नंबर 0 से बड़ा और 1 से छोटा ही आना चाहिए, 0 भी आ सकता है बट नॉट 1। अगर हम एक इक्वेशन कहें कि सॉल्व कीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू, यानी अब हम आउटपुट बताने जा रहे हैं, इनपुट का वैल्यू पूछ रहे हैं, इक्वल टू 0.7। अब बहुत सॉल्यूशन है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0.7 बहुत बार आता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप बनाएंगे y बराबर 0.7 से गुजरता हुआ, तो ग्राफ को कई जगह कट करेगा, उन सभी पॉइंट्स का हम x कोऑर्डिनेट जानना चाह रहे हैं। x इक्वल टू देयर विल बी मेनी आंसर्स, एक आंसर तो हमको दिख रहा है 0.7, 0 से 1 के बीच में एक आंसर देखिए 0.7 दिख गया, और अगला आंसर ठीक 1 यूनिट आगे है 1.7, अगला आंसर इससे 1 यूनिट आगे है 2.7, पिछला आंसर इससे 1 यूनिट पीछे है, यानी 0.7 माइनस 1।
और ये आंसर उससे वन यूनिट पीछे है 0.7 माइनस 2, यानी इसका सारा सॉल्यूशंस को हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.7 प्लस n, वेयर n कैन टेक वैल्यू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट डॉट। n के जगह 0 लिखिए, हम सॉल्यूशन लिखे हैं, यानी हम इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन नहीं अनेक सॉल्यूशन था, अनेकों सॉल्यूशन को हम लिख दिए, क्योंकि इनफिनाइट सॉल्यूशंस है तो हम सबको नहीं लिखेंगे। हमको कुछ पैटर्न दिख गया, सब हमको दिखा कि एक नंबर है 0.7 और बाकी सभी पॉइंट्स जिनका वाई कोऑर्डिनेट 0.7 है, उन सब का एक्स कोऑर्डिनेट्स खाली इसी 0.7 में ऐड करते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5 या सब्ट्रैक्ट करते जाइए, -1 तो हम सबको इस प्रकार लिख दिए। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का ग्राफ को ध्यान से देखिए, ये ग्राफ रिपीट करता है 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ बनाए हैं, अब यही ग्राफ रिपीट कर रहा है। यानी अगर हम 0 से 1 के बीच का ग्राफ याद कर लें, एक स्ट्रेट लाइन का टुकड़ा स्लोप 1, बस इसी को कॉपी पेस्ट कर करके हम पूरे ग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे फंक्शंस को कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस, जिनका वैल्यूज रिपीट करता है एट रेगुलर इंटरवल्स। कितना कितना इंटरवल्स के बाद वैल्यूज रिपीट करता है, उस संख्या को कहते हैं फंक्शन का पीरियड। जैसे x इक्वल टू 0.7 पे जो वैल्यू है 0.7, फिर 1.7 पे वैल्यू सेम आ जाएगा, फिर 2.7 पे फंक्शन का वैल्यू सेम है, यानी हर 1-1 यूनिट पे ये पूरा ग्राफ ही रिपीट कर जाता है। 0 से 1 के बीच में आप ग्राफ बनाएं, 1 से 2 के बीच में एग्जैक्टली सेम y कोऑर्डिनेट्स वाला ग्राफ है, तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन एक पीरियोडिक स्वभाव का है, यानी रिपीट करता है एट रेगुलर इंटरवल्स। एंड व्हाट इज द पीरियड, तो आप बोलेंगे 1 यूनिट। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ उसको बोलते हैं जो रिपीट करे। पीरियोडिक एक एग्जांपल ऐसे ही चित्र बनाए, तो एलजेब्रा में अब तक जितना भी ग्राफ हम लोग देखे थे उनमें से कोई भी ग्राफ पीरियोडिक नहीं था, यानी एक निश्चित इंटरवल को काट लें, उसी को कॉपी पेस्ट करके पूरा ग्राफ बना दें, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं था और ऐसा कोई भी फंक्शन एलजेब्रा में है ही नहीं सिवाय इसके। जो नेक्स्ट लॉट ऑफ फंक्शंस हम लोग पढ़ेंगे ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, दे आर ऑल पीरियोडिक। तो ये एकमात्र एलजेब्राइक फंक्शन है जो पीरियोडिक है, और पीरियड कितना है, 1 यूनिट। तो अगर कोई फंक्शन पीरियोडिक स्वभाव का है तब उसका सॉल्यूशन कैसे देंगे, देखिए, केवल 0 से 1 एक पीरियोडिक लेंथ में हमको सॉल्यूशन दिख गया कि y कोऑर्डिनेट 0.7 हो रहा है जब x कोऑर्डिनेट 0.7 है। अब हम बाकी सब आंसर जानते हैं कि वो पीरियोडिक है, पीरियड 1 यूनिट है, यानी बस उस सॉल्यूशन में 1 फिर 1 फिर उसमें 1 फिर 1 ऐड करते जाइए या 1 सब्ट्रैक्ट। अगर इसका पीरियड होता 2 तो हम 2 ऐड करते। अगर मान लीजिए ये ग्राफ 2 यूनिट्स के बाद फिर रिपीट करता, तो हम एक सॉल्यूशन अगर ढूंढ लें उसके एक पीरियोडिक इंटरवल में, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम ढूंढ लें तो बाकी सब सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम उस प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ऐड कर देंगे द मल्टीपल्स ऑफ द पीरियड, जितना भी पीरियड हो। जैसे अगर ये इसका पीरियड होता 2 तो हम 0.7 प्लस 2n लिख देते, क्योंकि इसका पीरियड है 1 तो मल्टीपल्स ऑफ 1 हम ऐड करते गए। यहां बगल में लिख दिए हैं, यहां पे n के जगह पे कौन कौन वैल्यूज आपको डालना है, गेट द सॉल्यूशन 0, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1, डॉट डॉट एंड डॉट।
एग्जैक्टली थ्री डॉट्स। चलिए समाप्त हो गया हमारा एल्जेब्रिक फंक्शंस समाप्त।